नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। गांव नांगलजट में स्थित देशी शराब की दुकान के सेल्समैन ने आबकारी निरीक्षकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते आज देसी एवं अंग्रेजी शराब के सेल्समैन इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और जिला प्रशासन को आबकारी निरीक्षकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा गया। आपको बता दें, नेटौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला जोशियान निवासी संदीप ने बताया कि वह नांगलजट में स्थित देशी शराब की दुकान पर सेल्समैन का कार्य करता है। किसी शराबी के कहने पर आबकारी निरीक्षक बिजनौर व चांदपुर ने उसके साथ मारपीट की और विरोध करने पर दुर्व्यवहार किया गया, जिसको लेकर आज सेल्समैन कलेक्ट्रेट पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। नांगलजट देसी शराब की दुकान पर सेल्समैन हूँ। कल जो आबकारी निरीक्षक हैं बिजनौर के हरिनारायण सिंह और चांदपुर के अभय प्रताप सिंह, ये दोनों लोग मेरे पास गए दुकान पे और जाके मेरे साथ वहाँ इन्होंने गाली गलौज की और मेरे साथ मारपीट की एक शराबी के कहने पर सिर्फ, जबकि मेरी कहीं कोई गलती नहीं थी। उस शराबी से बात करके इन्हें खुद पता चल गया था कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी बंद नहीं करी और मेरे साथ मारपीट करते। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।